गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज है गोवर्धन और गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो आज हम शाम को गोवर्धन पूजा करेंगे। मेरी मदर इन लॉ का फोन आया था अभी सुबह में उनका, तो वो बुला रहे थे कि शाम को हम सभी ने जाना है वहां पर और बच्चों को भी मैं लेकर जाऊंगी। और तो बस अभी मैं सारा काम कर चुकी हूँ, 11 बज चुकी है सुबह के, और मुझे भी कपड़े धोने जाना है। एक्चुअली मैं कपड़े धो देती हूँ, तो कपड़े वगैरह वॉश कर देती हूँ, मशीन लगा दूंगी, उसके बाद मैं दोपहर का लंच रेडी करती हूँ और उसके बाद मैं जाऊंगी। मुझे कुछ और भी काम है तो वहां भी जाना है मुझे, तो कुछ मार्केट का काम है बस वो निपटाकर फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो गोवर्धन की जो भी हम किस तरीके से पूजा करते हैं ये सब चीजें मैं आज इसमें आपको दिखाऊंगी, मतलब अपना जो भी मैंने व्लॉग शूट करना है आपको। तो ये जो चीज है आप भाई दूज के साथ ही देख पाएंगे, मैं दोनों एक साथ ही दिखाने वाली हूँ आपको। तो चलिए फिर मैं घर का काम निपटा लेती हूँ और तब तक और कुछ कपड़े वगैरह वॉश करने हैं, कुछ मुझे कॉस्मेटिक भी संभाल कर रखना है, तो वो इधर उधर बिखरा पड़ा है। त्योहारों के टाइम पे जब तैयार होते हैं जल्दी जल्दी में तो बस सब कुछ इधर उधर बिखरा हो जाता है, तो बस वो थोड़ा सा मैं सेट कर लेती हूँ, तो उसके थोड़ी देर बाद आपसे मिलूंगी। तो अभी फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं अभी जा रही हूँ अपनी नंद के पास, और यानी कि राज की सिस्टर के पास, अपनी सिस्टर इन लॉ के पास जा रही हूँ। और एक्चुअली कल राज की छुट्टी नहीं है, भाई दूज वाले दिन कभी भी राज की छुट्टी नहीं होती है, तो इसलिए हम एक दिन पहले ही कोशिश करते हैं जाने की। तो आज मैं अभी सुबह सुबह में अपना सारा काम निपटाने के बाद मैं अभी जा रही हूँ उनके पास, तो उनसे टीका वगैरह जो भी करवाना है राज करवा लेंगे, फिर मैं भी करवाऊंगी। और तो चलिए फिर आप भी चलिए मेरे साथ। तो यहाँ पर हम घर पहुँच चुके थे और उन्होंने वहाँ पर एक्चुअली ज़्यादा शूट करने का माहौल नहीं था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, ना ही कर पाई मैं। तो ये मैं टीका करवा रही हूँ, अभी मेरी नंद मेरा टीका कर रही है। हमारे यहाँ पर ऐसे ही होता है, सभी का नंद जो होती है वो टीका करती है, भाई भाभी दोनों का, उनके बच्चों का भी। तो इस तरीके से ये मेरी नंद है जो कि टीका कर रही है। वैसे मेरी नंद जो है वो सबसे बड़े हैं, दीदी के सबसे बड़े हैं घर में, राज सबसे छोटे हैं अपनी फैमिली में। तो हे गाइस, मैं भी आपसे काफ़ी देर बाद मिल रही हूँ। एक्चुअली मेरी नंद के पास से आते आते हमें काफ़ी लेट हो गया था, तो हम बस अपना यहाँ पर आ चुके हैं। अभी अरमान नहीं आ सका मेरे साथ क्योंकि अरमान की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि कोई बात नहीं 10-15 मिनट के लिए आ जाओ, फिर तुम जल्दी चले जाना। तो बस अभी मैं अरमान को दवाई वगैरह देकर आई हूँ, तो वो आराम कर रहा था, बोला मम्मी आप चले जाओ। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर सजावट होती है गोवर्धन की, आप देख सकते हैं इस तरीके से राज ये जो है मौली बांध रहे हैं, तो इस तरीके से हम धागा वगैरह बांधते हैं उस पर। और तो ये प्रसाद है और हम पूजा वगैरह करने के बाद सब में प्रसाद बांटते हैं, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर गोवर्धन की पूजा की जाती है। ये राज मेरी जेठानी के बच्चे हैं जो उनको बांध रहे हैं मौली इस तरीके से, और अभी मैं यहाँ पर मौली बांध रही हूँ इस पर। हमारे यहाँ पर इसी तरह से पूजा की जाती है हर साल। और गाइस जब पूजा करने लगे ना तो अचानक से लाइट चलेगी, पता नहीं क्या हुआ कि जो बल्ब था वो ख़राब हुआ है या लाइट चलेगी, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए सॉरी यार मैं मतलब ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, सॉरी फॉर दिस। तो इस तरीके से बस हमने पूजा वगैरह कर ली थी, तो मैं अभी जा रही हूँ नगर खेड़ा जो होता है हमारे गाँव में इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आई हूँ यहाँ पर, मैं अक्सर यहाँ पर आती रहती हूँ क्योंकि यहाँ पर आना एक मतलब रिवाज भी है हमारे में, और सारा गांव एक्चुअली यहाँ पर पूजा करने के लिए हर संडे या अपने टाइम के अकॉर्डिंगली आता ही रहता है, तो हम भी जाते हैं यहाँ पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को मेरी तरफ से भाई दूज की शुभकामनाएं। तो आज जैसा कि भाई दूज है आप सभी जानते हैं, और मेरा घर का सारा काम हो चुका है, राज भी ऑफिस जा चुके हैं, और अभी बच्चों की आज छुट्टी है, आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। और राज की वैसे छुट्टी नहीं थी आज ऑफिस की, उन्हें कुछ काम था अर्जेंट, बस वो जल्दी आ जाएंगे, वो बोल रहे थे कि वो थोड़ा जल्दी आ जाएंगे जब तक मेरा ब्रदर आएगा, तो वो तब तक आ जाएंगे। और अभी कुछ दिन में बस मेरा ब्रदर आने वाला है, मुझसे छोटा जो ब्रदर है वो आने वाला है, मेरे भाई भाभी आने वाले हैं, तो बस मैं उन्हीं के लिए अभी खाना वगैरह बनाने के लिए जा रही थी, तो बस वो आ जाए उसके बाद मैं उससे पहले खाना वगैरह बना लेती हूँ और जो भी छोटे मोटे काम है वो निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एप्पल काट लिए हैं, मैं अभी मिष्टी को देने के लिए जा रही हूँ, अरमान ऊपर खेल रहा है एक्चुअली। और सॉरी गाइस, आप इस व्लॉग को आप फ्राइडे को ही देख पाएंगे क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करने का बीच में टाइम बिल्कुल नहीं मिला, मेरा गला बिल्कुल ठीक हो गया था लेकिन दोबारा से फिर ख़राब हो गया, पता नहीं आप सुन सकते हैं कि मेरी आवाज़ जो है ख़राब लग रही है बहुत, और गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो मुझे वॉइस ओवर का टाइम भी नहीं मिला एक्चुअली, तो सॉरी यार मैं मतलब लेट कर पाई हूँ इसको। तो यहाँ पर मैंने राजमा की सब्जी वगैरह तैयार कर ली है और सैलेड वगैरह मैंने काट कर रख दिया है, तो आटा भी मैंने बनाकर रख दिया है, बस फुलके और मैं राइस साथ के साथ बना दूंगी। तो बस ये मिष्टी अभी अपने एप्पल खत्म कर रही है, और अभी जो छोटा मोटा थोड़ा सा ऊपर का काम रह गया बस वो कर लेती हूँ। तो मैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि लेट नाइट हो गया था वहाँ पर, तो मैं गोवर्धन पूजा के बाद व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो सॉरी गाइस इसके लिए।
तो अभी मैंने बस मिश्री को एप्पल दिए हैं काटकर, वो खा रही है, और राजमा वगैरह मैंने बना चुकी हूँ। बस ब्रदर आ जाएंगे तो फिर मैं राइस वगैरह साथ के साथ बना दूंगी, क्योंकि राइस बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, आपको पता ही है। उससे पहले दोस्तों मुझे आपसे कुछ बात करनी थी कि जैसा आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम आजकल के टाइम में एक आम बात है, सभी चलाते हैं इंस्टाग्राम, मैं भी यूज करती हूँ, और जैसा कि मैं यूट्यूबर हूँ तो मेरे लिए तो ऑफकोर्स मैं भी यूज करती हूँ। लेकिन कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे इतना गंद फैलाया हुआ है, सच में कुछ लोगों के आंसर देना इतना मुश्किल हो जाता है, समझ में नहीं आता कि कैसे डील करें इनके साथ। इतने गंदे गंदे वाहियात कमेंट करते हो, मतलब आप कास्ट से इस चीजों को धर्म से जोड़ रहे हो, कास्ट से जोड़ रहे हो, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा गलत लगी है। सीरियसली बहुत ज्यादा हर्ट हुई हूं मैं, क्योंकि मैं अपने बच्चों को कभी भी ऐसी कोई शिक्षा नहीं देती हूं कि तुमने इस धर्म को अपनाना है या इस धर्म का मान करना है, इनका नहीं करना है। मेरी नजर में सभी धर्म एक सा है और मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूं, दिल से करती हूं, और मैं अपने बच्चों को हर एक जो त्योहार होता है वो सेलिब्रेट करना बताती हूँ। उनके पीछे का रीजन जो भी मुझे पता होता है वो मैं सब उन्हें बताती हूँ, उन्हें सिखाती हूँ कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, इक्वल समझना चाहिए सबको, ऐसा मेरा सोचना है। अब कोई और क्या सोच रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा सोचना यही है कि मैं अपने बच्चों को एक ही शिक्षा दे रही हूँ सिर्फ, कि उन्हें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, किसी को भी इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है या वो चीज़ नहीं करनी है। अगर मैं दिवाली मनाती हूँ तो मैं ईद भी सेलिब्रेट करती हूँ, जी हाँ, मैं अपने तरीके से करती हूँ, बट सबका अपना तरीका होता है सेलिब्रेट करने का। तो प्लीज़ ऐसी नेगेटिविटी मेरे चैनल पे तो कम से कम मत फैलाइएगा। कुछ लोगों ने इतने गंदे कमेंट्स किए हैं इंस्टाग्राम पे, अब मैं आपको कुछ एक स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी, क्योंकि कुछ कमेंट्स इतने वाहियात थे जो कि मैंने साथ के साथ डिलीट कर दिए, क्योंकि और मेरा बेटा है तो कभी कभी बच्चों के हाथ में भी मोबाइल आ जाता है, वैसे तो मैं नहीं देती हूं, बट मैं उन कमेंट्स को ज्यादा देर अपने फोन में नहीं रखना चाहती थी कि कोई और पढ़े। हाँ, राज ने भी देखे हैं वो कमेंट, तो राज ने बोला कि तुम डिलीट कर दो अभी के अभी। कुछ के मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ लोग इतना वाहियात बोलते हैं, इतना बदतमीजी से बोलते हैं ना, सच में हद हो गई है लोगों की। मतलब अब एक इंसान है, ये पर्सन है, इन्होंने पहले मुझसे चैट करी, इन्होंने नॉर्मली बात करी कि हेलो हाउ आर यू, मतलब नॉर्मली बात करी, जो भी है मैं आपको सच बता रही हूँ। उसके बाद के कमेंट्स जो भी थे वो मैंने डिलीट कर दिए। कुछ के स्क्रीनशॉट लिए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो उन्होंने इतने बुरे बुरे कमेंट किए हैं कि गालियां बकी हैं, मुझे तो समझ में भी नहीं आती कि ऐसी ऐसी गालियां इंग्लिश में देते कैसे हैं, कुछ के तो मीनिंग ही समझ में नहीं आते हैं सच में, क्योंकि ऐसी नेगेटिविटी सिर्फ आप ही फैला सकते हैं। अब एक लड़के ने मुझसे बार बार एड्रेस मांग रहा है कि एड्रेस दे दो, एड्रेस दे दो, ये आपको समझ में नहीं आता कि मैं एड्रेस नहीं दे सकती हूँ। उसके बाद उन्होंने इतने बैड कमेंट्स किए रहना गाइस, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि क्या क्या उन्होंने बैड कमेंट्स किए। हद हो गई है यार, मतलब बस मजबूर कर देते हैं कि नंबर ब्लॉक करना पड़ता है, और मैं ऑफकोर्स उसी टाइम ब्लॉक कर देती हूँ। मुझे ऐसी गंदी नेगेटिविटी अपने चैनल पे, अपने अकाउंट में चाहिए ही नहीं है, इसीलिए मैं आपको ब्लॉक कर देती हूँ। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी कि इंस्टाग्राम पे वाकई कुछ लोगों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि आपको कब कौन से कहाँ से कमेंट आ जाए आपको खुद भी नहीं पता चलेगा, और कभी कभी तो डायरेक्टली आप कमेंट में गालियां ही बकते हो। अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कोई, तो आप उसके बाद गालियां आईडी चेंज कर अकाउंट अपने चेंज कर प्रोफाइल चेंज करके आप गालियां बकते हो। तो बस इसीलिए माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, सोचा आप लोगों से शेयर करूं कि आप भी बच के रहिए, सावधान रहिए ऐसे लोगों से, ऐसे घटिया लोगों से सच में। तो बस यही मुझे आपसे कुछ बात शेयर करनी थी, और मुझे लगता है मेरा ब्रदर आ चुका है तो मैं उनको अटेंड करती हूँ। तो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूंगी और आपको भी जरूर मिलवाऊंगी, जितना पॉसिबल हो सकेगा शूट करूंगी, क्योंकि पहले मैं उन्हें थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाने दूं, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि मैं कंफर्टेबल हूं कैमरा के सामने तो सभी हो, तो वैसे तो वो शूट करने देंगे मुझे लगता है जहां तक, तो जितना हो सकेगा शूट करूंगी और आपको भी दिखाऊंगी। तो चलिए मैं उनसे मिल लेती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो यहाँ पर मेरे भाई और आ चुके थे, तो पहले मिष्टी अरमान को बांध रही है, अभी धागा वगैरह बांध रही है और तिलक कर रही है उसका, और तो मिष्टी ने उसके लिए ग्रीटिंग कार्ड प्रिपेयर किया था, ग्रीटिंग कार्ड बनाया था, वो उसे दे रही है। अरमान को काफ़ी पसंद आया वैसे वो ग्रीटिंग कार्ड। तो यहाँ पर मिष्टी ने अरमान का तिलक कर दिया है और अब मैं करूँगी अपने भाई का तिलक। तो वो आ चुके हैं, वो अभी फ्रेश वगैरह हो रहे थे, तो उसने बोला कि चलो कोई बात नहीं, पहले बच्चों का करवाओ उसके बाद मैं करवाऊँगा।
यहाँ पर मैं अपने ब्रदर का तिलक कर रही थी, और ये मेरी भाभी हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ मेरा भाई कुछ बोल रहा था तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी, मजाक बहुत करते हैं दोनों भाई, सच में बहुत छेड़खानी करते हैं। तो यहाँ पर मिष्टी कर रही है जानू का, यानी कि जयंत का तिलक कर रही है यहाँ पर। और ये मेरा भाई का बेटा है, मैं यानी कि मेरा भतीजा, ये मेरी भतीजी है। तो ये अरमान का तिलक कर रही थी, और यहाँ पे भाई बच्चों के साथ मस्ती कर रहा है, उन्हें खिला रहा था, उनके साथ खेल रहा था, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं सच में दोनों भाई। जब भी आते हैं ना, हमेशा बच्चों के साथ बहुत अच्छे से मतलब खेलते हैं, मिलते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। और मिश्री ने बोला कि मामू मुझे भी झूले खिलाओ इस तरीके से, तो उसे झूले खिला रहा है। सो गाइस, अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूले, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। और पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइएगा मुझे कमेंट में। सो गाइस, मैं इस व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ अब, तो क्योंकि अभी भाई जाने वाला है, बस मैं उनको देखती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।